इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। पीछे देखो, पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा ठाकुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि मसूर अरहर पर बैन लगाकर किसानों के खिलाफ साजिश की गई है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी की इन चुनावों में दाल नहीं गल रही थी, इसलिए उन्होंने मसूर और अरहर की दालों पर बैन लगा दिया। हालांकि जब बाद में उन्हें बताया गया कि बीजेपी ने मसूर अरहर पर नहीं बल्कि मसूद अजहर पर बैन लगाया तो वो और भड़क गए। इस बारे में अधिक बातचीत के लिए महबूबा कुल्फी हमारे साथ जुड़ी हैं। महबूबा, मसूद अजहर पर बैन से राहुल गांधी भला क्यों भड़क गए? हीरा, राहुल गांधी का कहना है कि चुनावों के बीचों बीच मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से साबित हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। इस बारे में जब हमने उनसे सबूत मांगा तो राहुल गांधी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आखिर में भी संघ आता है और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आखिर में भी संघ आता है। इससे साबित होता है कि दोनों मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को भी संघी बताते हुए उनकी एक तस्वीर जारी की है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। पीछे देखो, पीछे। वहीं इमरान खान ने मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने को पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात बताया है। इमरान ने कहा कि ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के एक छोटे से शहर बहावलपुर से निकला लड़का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इस मौके पर इमरान खान ने सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक दुनिया भर में फैले आतंकियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बिन लादेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ऐसे आतंकियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी पाक सरकार ही करेगी। इस पर इंडियन आर्मी का कहना है कि आतंकियों को ट्रेनिंग आप दे दो, उनकी जहन्नुम में 100% प्लेसमेंट हम करवा देंगे। पीछे देखो, पीछे। वहीं मसूद अजहर के बाद दिल्ली के शेंकी अरोड़ा को भी अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने की मांग उठ रही है। शेंकी पर आरोप है कि वो कोई भी बड़ी वेब सीरीज और फिल्म देखने के बाद उसका सस्पेंस पहले दिन ही सोशल मीडिया पर रिवील कर देता है। अजीब सी शक्ल और गरीब सी हालत में दिख रहे इस शख्स का नाम है शेंकी अरोड़ा। शेंकी 8 साल की उम्र से ही हबा नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हबा यानी खड़ा बाल। इस बीमारी के कारण इसके शरीर के अंदर चुल का टार जमा होता रहता है। इसी चुल को मिटाने के लिए ये ऐसी हरकतें करता है जिस पर 4-5 जन्मों के लिए एक साथ सजाए मौत दी जा सकती है। तभी तो एवेंजर्स एंड गेम से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स तक ये हर बड़ी फिल्म और सीरीज का पहला शो देखकर उसका सस्पेंस रिवील कर देता है। चुल का आलम यह है कि ये देखी गई फिल्म दोबारा देखने जाता है और पहले 5 मिनट में ही बगल में बैठे आदमी को बता देता है कि एंड में क्या होने वाला है। इसकी दहशत ऐसी है कि कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले इसके दोस्त अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर मोबाइल की बैटरी निकाल कर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से आज इसके शरीर में 153 टांकों के निशान हैं और 86 जगह से 87 हड्डियां टूटी हुई हैं। खबर है कि इस शख्स को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के हवाले करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन एयरपोर्ट पर जब इससे पूछा गया कि तुम तो हर चीज का सस्पेंस रिवील कर देते हो, तो चलो ये बताओ कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा, तो वो बोला, चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। फोटो लेना, फोटो ले सकता है, कैमरा चालू है। पीछे देखो, पीछे।